पर पानी को बोतल देने आए तो प्रयागराज में हमें बहुत ही सुंदर सुंदर मन को आकर्षित करने वाली यहाँ पर वस्तुएं हमें मिली है और माध मेला यहाँ पर 2024 में लग रहा है। तो यहाँ पे काफी भीड़ हमें देखने को मिली है। तो प्रयागराज में हमें बहुत ही अच्छे अच्छे आश्रम हमें देखने को मिले हैं और महात्मा साधु जी के दर्शन भी हमने किए हैं। तो यहाँ प्रयागराज में भंडारे चल रहे हैं। तो तीनों नदियों का संगम गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम यहाँ पर प्रयागराज में हम देखने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और कुछ ही देर बाद हम तीनों नदियों का संगम एक साथ देखेंगे। कुंभ प्रयागराज नगरी में आपको सभी का स्वागत है। सुंदर पावन धरा नगरी प्रयागराज बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर चलने के लिए जो फंटे का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो है वो रेगिस्तानी मिट्टी है। तो मिट्टी भी चमक रही है यहाँ पे प्रयागराज में। तो बिल्कुल देखने के लायक बहुत ही सुंदर जगह है प्रयागराज। और सामने गंगा यमुना सरस्वती जो नदी है उसका संगम आ चुका है। प्रयागराज में ऊंट की सवारी जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सामने एक और ऊंट। तो एक गंगा यमुना सरस्वती संगम आ चुका है यहाँ पर, बहुत ही
अधिक संख्या में हमें नावें जो देखने को मिली है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे सभी संगम पे जाने के लिए उत्सुक हैं। तो हम नाव में बैठने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और हमारी नाव आ चुकी है।